सो ओके गाइस, सो गाइस इस वीडियो में क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को करंट करवाएंगे फायर स्टोर के साथ, और क्या करेंगे कुछ डिपेंडेंसी ये उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो गाइस क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गाइस इस पर क्लिक करूँगा और क्या करूँगा, यहाँ पर स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो आफ्टर क्या करूँगा, मैं एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। उसके करूँगा यहाँ पर एप्लीकेशन नाम क्या होगा, गाइस तो नाम देता हूँ मैं आपको यहाँ पर कि फायर स्टोर रूम डेटाबेस, ठीक है। तो गाइस इस वक्त करने में क्या करूँगा, यहाँ पर सब कुछ करेक्ट है यहाँ पर, कि गाइस मेरा पैकेज नेम है, यहाँ पर लोकेशन है और यहाँ पर जावा लैंग्वेज है, ठीक है। तो गाइस अगर आप ठीक है, तो गाइस फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस फिनिश पे क्लिक कर दिया मैंने और ये कुछ समय लेगा करने में, एंड गाइस इस कुछ टाइम लेगा लेने में, ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा सा वेट कर लेते। ओके गाइस, तो ये क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो गाइस करना क्या, हमको सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, फायर स्टोर के साथ कनेक्ट करवाने करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब जाते हैं गाइस टूल पे जाएंगे, टूल पे जाएंगे तो क्या करूँगा, फायर बेस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और फायर बेस पे क्लिक करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर एक असिस्टेंट हम लोग खुल जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, उसके बाद हमें जाना है क्या, फायर स्टोर के पास, ठीक है। इस पर क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक, तो गाइस यहाँ पर असिस्टेंट खुल जाएगा, ठीक है। तो क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, कनेक्ट टू फायर स्टोर, ठीक, फायर पे, ओके, नो, कनेक्ट फायर बेस क्लिक किया, ठीक है। तो गाइस क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करता हूँ, हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, मैं उसको ले जाता हूँ, ठीक है। लाइक मैं लेता हूँ, मतलब इसको मैं लेता हूँ यहाँ पर, कोई ले लेता हूँ, लाइक इसको ले लेता हूँ, ठीक है। इसको ले लिया मैं यहाँ पर। अब इसको लेने के बाद क्या करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे गाइस ले लिया, ठीक है। तो अब ये कुछ थोड़ा टाइम लेगा, ओके गाइस, तो कनेक्ट करने के क्या कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो कनेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है गाइस। तो क्या होगा, यहाँ पर कनेक्ट हो चुका, ठीक है। उसे तो करना पड़ेगा, ऐड क्लाउड फायर स्टोर करना पड़ेगा आपको, क्लिक, ठीक है। क्लिक किया, मैंने सब चेंजेस की एंड दैट्स इट, ठीक है। तो गाइस ये अपना कनेक्ट होना शुरू कर दिया हमने, ठीक है। आई होप कि इतना थोड़ा टाइम लेकर करने में, ठीक है, जब तक यहाँ पर अपना काम करते गाइस। तो मैंने इसको कट कर दिया और क्या करूँगा, यहाँ पर फायर स्टोर पर क्लिक कर, फायर बेस पर क्लिक करता हूँ, हाँ भाई, ठीक है। मैंने क्लिक किया यहाँ पर, ओके। तो गाइस अपना ले आएगा यहाँ पर, ओके, नहीं गलत गया है, सो गाइस गलत ले आया हमको यहाँ पर, आपको यहाँ जाना नहीं है पहली बात। तो फायर बेस पर क्लिक करना है यहाँ पर और कंसोल डालना आपको, ठीक है, एंटर किया, ठीक है। तो कैसे क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल पर जाऊँगा, तो अपना प्रोजेक्ट हिस्ट्री, हमारा नाम क्या था, हमारा JKS1234 था गाइस, आई थिंक। तो इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर, ठीक है। इस पर क्लिक करने में क्या करना है गाइस, मुझको मुझे आना है यहाँ पर डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के आने के बाद क्या करना है गाइस मुझको, तो गाइस मुझे करना है रियल टाइम डेटाबेस, नहीं क्लाउड फायर स्टोर करना है हमको यहाँ पर। क्लाउड फायर स्टोर करने के बाद क्या करना है, यहाँ पास खुल चुका है, ठीक है। तो गाइस आई होप कि ये अभी हमारे पास कनेक्ट हो चुका हुआ है, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सब कुछ कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो गाइस हमारी बारी है, हमारी जो रूम की डिपेंडेंसी है उसको ऐड करना है, ठीक है। तो रूम की डिपेंडेंसी जो हमारे पास है उसको कैसे ऐड करेंगे, एक मिनट, ये हो गया, ठीक है। तो गाइस क्या करना है, मेरे पास एक वेबसाइट है कोडिंग विद जेकेएस, ठीक है। मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, ठीक है। तो यहाँ मैंने डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है, ठीक है। तो गाइस कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो गाइस मैं इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे ना, तो गाइस यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। तो गाइस मैंने इसका एक ब्लॉग भी लिख रखा है कि रूम डेटाबेस का कैसे यूज़ कर सकते हैं फायरबेस फायर स्टोर के साथ, ठीक है। तो आप उसको पढ़ना, तो आप जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो गाइस मैं आपको नीचे थोड़ा जाऊँगा और क्या करूँगा, इसकी डिपेंडेंसी ऐड करने क्या करूँगा, यहाँ से ये क्या करूँगा, ये ऐड करने की कोशिश, यहाँ पर ये ऐड कर दूँगा इसको, ठीक है। कॉपी कॉपी करूँगा गाइस, तो कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, इधर जाऊँगा यहाँ पर एंड देन इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। इस पर यहाँ पर नीचे आऊँगा थोड़ा गाइस, अब नीचे आने को क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा इसको, पेस्ट कर दिया। और कुछ एक और चीज़ हमें ऐड करनी है गाइस, अब मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है, ये करूँगा ext, इसको कॉपी करूँगा गाइस, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर आऊँगा, इसमें आऊँगा, ठीक है, इसमें, ठीक है। अब इसमें आऊँगा और नीचे आऊँगा यहाँ पर और पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और गाइस यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, इसको डालना, ठीक है, एंड देन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँगा सिंक पे, नाम पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब गाइस सिंक नाम पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, देखते हैं क्या होता है, ये थोड़ा टाइम लेगा गाइस, ठीक है, ओके। सो थोड़ा टाइम लगा ये करने में, इसको क्या करेंगे, ओके। सो गाइस हमारे पास क्या हो गया, हमारी डिपेंडेंसी भी ऐड हो गई और हमारे पास हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फायर स्टोर के साथ करंट भी हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस वैसे ऐसे काम करना सिंपल सा काम था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा इस चीज़ को।